अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ महरीन। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। कामयाबियाँ और खुशियाँ आपका और मेरा हम सब का मुकद्दर हो, आमीन सुम आमीन। सो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब आप वो प्रेस करेंगे तो ऑब्वियसली आपको मेरे नई आने वाली वीडियो जो है उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप अपडेट रहेंगे। सो आज के वीडियो में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा ज़रूर बताऊंगी आपको। आप देख सकेंगे जी केकरी बाय महरीन का जो पेज है इंस्टाग्राम पे, आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो उसमें से एक चीज़ जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, या तो केक बना रही होंगी या फिर कप केक्स बन रहे होंगे या पिज़्ज़ा बन रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें वन बाय वन आपके साथ आने वाले व्लॉग्स में शेयर करूँगी। सो अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है केकरी बाय महरीन के नाम से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और डीएम करके उसके प्राइजेस भी पूछ सकते हैं। सो आज ये देखने को मिलेगा। और m.i फैशन कलेक्शन की जो कलेक्शन, न्यू कलेक्शन मेरे पास अभी आई है, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, वो दिखाऊँगी आपको। और आप मेरे साथ व्लॉग के एंड तक बने रहिएगा और देखिएगा कि और क्या क्या आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो आज की लुक आपको कैसी लग रही है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट्स में अपनी आराह दीजिएगा कि आगे इस व्लॉग को, आने वाले व्लॉग्स को और किस तरह से अच्छे से अच्छा बनाया जा सकता है और इसमें क्या चीज़ें एडिशन होनी चाहिए। आप लोगों की राय मेरे लिए बहुत अहम होगी और जो अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करेंगे तो आने वाले वक्त में इन फ्यूचर मैं गिव अवेज भी दूँगी इंशाल्लाह। सो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ रहिए। सो और हाँ, एक और बात कि आज की जो लुक मैंने क्रिएट किया है वो मेरी मदर के लिए है, क्योंकि उनके लिए स्पेशल, क्योंकि मैंने कल अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर किया था अपना व्लॉग और उनसे पूछा था कि जी मैं कैसी लग रही हूँ और इसको कितना और अच्छा बनाना चाहिए। सबने बहुत अप्रिशिएट किया, सबने बहुत अच्छी दुआएँ दी, बेस्ट ऑफ लक कहा और मुझे ज़रूरत भी है आप सबकी दुआओं की। तो जब मेरी मदर से मैंने पूछा तो उन्होंने भी बहुत अच्छे कमेंट्स दिए, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको और अच्छा करो। तो ये आज की जो लुक है वो मेरी मदर के लिए है। सो मैं, मुझे मेकअप का शौक है, मेकअप दूसरों पे करना अच्छा लगता है, अपने आप पे मैंने कभी इतना मेकअप किया नहीं है। मैं बिल्कुल सिंपल रहती हूँ और सिंपल रहना मुझे पसंद है, सिंपलिसिटी पसंद है मुझे। सो अब जितनी भी लुक्स क्रिएट होंगी वो सब मेरी मदर के नाम होंगी, कि मैं जैसे भी तैयार होंगी अच्छे से, वेल ड्रेस्ड और अच्छे से तैयार होंगी, वो मेरी मदर के लिए है। सो आप मेरे साथ बने रहिएगा व्लॉग में, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जी तो ये आज ज्वेलरी जो मैंने पहनी हुई थी वो थी m.i फैशन कलेक्शन की। सो मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर किया जाए कि आज जो मैंने एयर रिंग्स पहनी हुई थी और जो ये पेंडेंट था और रिंग्स थी, ये सब m.i फैशन कलेक्शन से थी। जी तो सुबह का आगाज़ हो चुका और मैंने अपना जो है ब्रेकफास्ट हमेशा यही करती हूँ, बिस्टिक्स और चाय का कप या फिर रस होते हैं, सो चाय पी और बिस्टिक्स लिए और अपनी सुबह का आगाज़ किया। चिकन ब्रेड का ऑर्डर आया हुआ था केकरी बाय महरीन पे, तो फिर ये मैं बना रही थी तो सोचा कि इसकी वीडियो बना के आपके साथ शेयर की जाए। और इसके बाद मैंने ये केक बनाया और जो कि बहुत ही यमी था और इसको आप चाय के साथ खा सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं। सो आपके साथ इसके ग्लिम्प्स शेयर कर रही हूँ। और ये ब्राउनीज़ का ऑर्डर था, ये भी साथ रेडी थी तो इसका भी साथ साथ मैं रिकॉर्ड करती जा रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या केकरी बाय महरीन में बनता है, तो आप ज़रूर देखें और होपफुली आपको पसंद आ रहा होगा। इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का और रिच टेस्ट होता है।
ये ब्राउनीज़ ऑर्डर की थी और ऑर्डर बस डिस्पैच करना ही था, तो उससे पहले मैंने जल्दी से वीडियो बना ली थी कि आपके साथ शेयर करूँगी, आप लोग देखें और ज़रूर लाइक करें। और ये भी ऑर्डर के केक थे जो कि फॉर वन पर्सन होता है, और इसके प्राइस भी बहुत मुनासिब मैंने रखे हैं। 100 रुपीज़ का एक बॉक्स है और ये बच्चे भी ले सकते हैं और फॉर वन पर्सन है, और बहुत ही यमी केक है। टी केक है, आप इसको चाय के साथ ले सकते हैं, और वैसे भूख लगी हो तो इंसान वैसे भी खा लेता है, तो ये बहुत ही यमी टेस्ट होता है इनका। एम डॉट आई फैशन कलेक्शन की ज्वेलरी स्क्रीन पे शो हो रही है, एंकलेट्स आपको भी नज़र आई, और आपको और भी मज़ीद ब्राइडल कलेक्शन में बहुत अच्छे अच्छे से सेट्स मिलेंगे। और भी ये झूमर है जो कि बहुत ही खूबसूरत इसका रिज़ल्ट है, मतलब आगे आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको अपनी मॉडल पे इसका डेमो भी दूंगी, ज्वेलरी पहना के दिखाऊंगी कि कैसे खूबसूरत सी लुक आती है। और ये झुमकियाँ हैं बहुत ही प्यारी खूबसूरत पर्ल्स के साथ, और अगर आपको ये पसंद आती हैं तो आप के पास आपके सामने स्क्रीन पे एम डॉट आई फैशन कलेक्शन शो हो रहा है, आप ज़रूर इंस्टा की आईडी को फॉलो करें हमारी और डीएम करें प्राइस जानने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें इसको और फॉलो करें। और अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो आप ज़रूर ऑर्डर करें। और जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसका 20% जो है वो हम फाउंडेशन को डोनेट करते हैं, तो ज़्यादा प्रमोट करने का मेरा मकसद ही यही है कि मैं अपने दोनों पेजेस को आप लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करूँ और आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स करें, और जो ये एक इसके पीछे एक जो नेक कॉज है उसको हम अच्छे से सपोर्ट कर सकें। आप जब इसके पेज पे जाएंगे इंस्टा आईडी के, तो आपको वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कलेक्शन नज़र आएगी। अभी यहाँ पे मैंने चंद पीस ही जो हैं शूट किए हैं कि मैं आपको दिखा सकूँ कि क्या क्या अवेलेबल है, और जो ज़्यादा जो हैं चीज़ें वो आपको पेज पे मिल सकती हैं, बड़ी डिटेल में वहाँ पे मैंने पोस्ट की हुई हैं, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं।
जी, तो आज का व्लॉग आपको कैसे लगा? होपफुली बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अपनी अच्छे अच्छे कमेंट्स से मुझे बताइएगा ज़रूर, और अपनी दुआओं में खास शामिल रखिएगा। तो जाने से पहले मैं यही कहूँगी, आज का व्लॉग एंड करने से पहले मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, बेल आइकन का बटन प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और एक अच्छी बात कि एहसास लफ्ज़ अपने आप में बहुत 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 मीनिंगफुल है। एहसास लफ्ज़ जो है वो बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है। अगर हम किसी चीज़ का एहसास ख़त्म कर देते हैं अपनी लाइफ से, तो फिर कुछ भी नहीं रहता। तो इसलिए अपनों का, अपने प्यारों का एहसास करें, रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें, अच्छा बोलें। आज हम जो बीज अच्छा बोएंगे, कल अच्छा काटेंगे। सो अपनी आखिरत के लिए और इस दुनिया में अच्छाई के लिए हमें अच्छा सोचना है, पॉजिटिव करना है, और हमेशा दूसरों में खुशियाँ बांटनी है। तो अपनी दुआओं में खास खास शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मैं आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।